वेलकम टू माई चैनल असंखा। टू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो कमेंट करना आप मत भूलना। आज की पेंटिंग को मैं वाइट कपड़े पर कर रही हूँ। टिप्स फॉर द पेंटिंग, जो आपने कपड़ा लिया है उसको वॉश कर सुखा लेना है, इससे पेंटिंग कपड़े पर बहुत सुंदर होती है। सेकेंड स्टेप में फ्लावर को कपड़े के ऊपर हमने ट्रेस कर लेना है और थर्ड स्टेप में हमने एक फ्रेम लेना है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। इसमें दो रिंग्स होती हैं। इसकी एक रिंग को हमने कपड़े के नीचे रखना है, फ्लावर के ट्रेस के नीचे रखना है और सेकेंड रिंग को हमने फर्स्ट रिंग के ऊपर सेट कर देना है एंड लास्ट में कपड़े को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। लाइट पिंक कलर को फॉर्म करने के लिए मैंने ब्रश के ऊपर थोड़ा सा डार्क पिंक, वाइट कलर और एक ड्रॉप पानी लिया है और इन सबको एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। सेम लाइट पिंक कलर को मैंने एक बोतल में काफ़ी सारा बनाकर अपने लिए रखा हुआ है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं पेंटिंग रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी चलते हैं मेन पेंटिंग की तरफ। पेंटिंग को स्टार्ट करते हैं फ्लावर के साथ। फ्लावर में मैंने लाइट पिंक कलर का यूज़ किया है जो मैंने अभी प्रिपेयर किया था। इसमें मैंने फ्लैट ब्रश विद जीरो साइज का यूज़ कर रही हूँ। आज की पेंटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने बहुत बेसिक सी टेक्निक का यूज़ किया है। आई होप कि आपको ये मेरी पेंटिंग बहुत सुंदर लगी। आज की इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव है कि आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आज सीख के जाएं। सबसे पहले मैंने लाइट पिंक कलर का यूज़ कर फ्लावर के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से पेंट कर दिया। अभी मैंने ब्रश चेंज किया है राउंड ब्रश विद जीरो साइज और इसमें मैंने डार्क पिंक कलर का यूज़ किया है। फ्लावर के पेटल्स की बाउंड्री के पास हमने लाइंस को पेंट करना है। ब्रश को बहुत हल्के हाथों से चलाना है और ब्लेंड करते जाना है। आज मैंने इस फ्लावर में बहुत सिंपल सी टेक्निक को यूज़ किया है, बट ये आपके फ्लावर को बहुत सुंदर बना देगी। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियोस देकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स और जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करें। राउंड ब्रश को हमने कपड़े पर बहुत स्मूथली वर्क करना है और कलर्स को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करते जाना है। कलर्स को ज़्यादा हम ड्राई नहीं होने दे सकते, नहीं तो पेंटिंग अच्छी नहीं लगेगी और कलर्स ब्लेंड नहीं होंगे। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग में बिगनर हैं और ऐसी पेंटिंग्स को करना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस को देख सकती हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगे। एंड आपको अगर पेंटिंग में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्लावर को फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर को चूज़ किया है। वाइट कलर को हल्का सा ब्रश के ऊपर लेकर मैं बाउंड्रीज पर उसको यूज़ कर रही हूँ। इससे फ्लावर में एक डिफरेंट सा लुक भी आ गया है और ये देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये फ्लावर कैसा लगा। फ्लावर को लास्ट टचेस दी है मैंने डार्क पिंक कलर से। आप भी ये पेंटिंग को अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं सिर्फ दो कलर से, पिंक एंड वाइट।
लीव्स और ब्रांचेस को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बेसिक टेक्निक का ही यूज़ किया है। ये एक लर्निंग क्लास है, तो इसलिए मैं आपको एक बेसिक्स बताना चाहती हूँ पेंटिंग में। जैसे कि हम सिंपल शेडिंग से भी एक लीव्स और ब्रांचेस को बहुत सुंदर बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर लेमन येलो कलर का यूज़ किया है और लीव्स और ब्रांचेस के स्ट्रक्चर में उसको पेंट कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा सैप क्रीम कलर लिया और इस कलर में उसको ब्लेंड कर दिया और इससे हमारी लीव्स और ब्रांचेस रेडी हो जाएंगी। इसी सेम टेक्निक को हम बाकी के स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे और अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी ये बेसिक पेंटिंग टिप्स अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए और ऐसी क्लासेस लेकर आऊँ जहाँ पर आप बहुत बेसिक्स ऑफ द पेंटिंग सीख सकें। आई होप कि आपको भी ये पेंटिंग उतनी ही सुंदर लग रही है जितनी कि मुझे। मेरी और वीडियोस को भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, जिनकी मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी है और जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। Till then, thank you for watching my video.